हमारे भारत में मूर्ख और अंध भक्तों की कोई कमी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आज बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों अभी अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और रिजल्ट सबके सामने है, लेकिन लोगों की अंधभक्ति जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी लोग कहते हैं कि बीजेपी के सीट पर अगर कुत्ता भी खड़ा कर दोगे तो हम उसको भी जिता देंगे। ये वीडियो में आप देखिए, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता, ये सच है। अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिता। क्या सोच है रे भाई। यही नहीं, लोगों ने तो मोदी जी को भगवान घोषित कर दिया, राम ही कह दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये अब तक स्लोगन चल रहा था। अब तो कुछ अंध भक्तों ने, जी हाँ, इनके अंध भक्तों ने मोदी जी को राम बता दिया और योगी जी को लक्ष्मण। अब बताइए, ये भी वीडियो देख लीजिए। मोदी जी कौन है? साक्षात श्री राम है, वो श्री राम है, कलयुग के राम है वो मोदी जी। योगी जी कौन है? हनुमान जी का रूप है। कभी कभी सोच में पड़ जाता है इंसान की ये बेवकूफ अंधभक्त आते कहाँ से है, इनको जरा सा भी लॉजिक वगैरह है या नहीं है। मोदी जी को यही सब लोग दिखाई देते होंगे, इसीलिए वो इन्हीं को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। कभी वो साधु बन जाते हैं, कभी हिमालय की तरह साधना में बढ़ जाते हैं, तो कभी क्या कर लेते हैं भाई। और ये बेवकूफ़ लोग और बेवकूफ़ बनते जाते हैं। अब इससे भी खतरनाक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, मोदी जी के अंध भक्तों ने, जी हाँ, मोदी जी को भगवान तो घोषित कर ही दिया था, अब उनकी आरती भी मार्केट में आ गई है। जी हाँ, जय देव जय देव जय मोदी। मंदिर की खत्म होने के बाद फिर हम आरती करते हैं। अभी मंदिर की आरती खत्म हुई, अब शुरू हो रही है मोदी की आरती। ऐसी आरती तो भगवान की करते हैं ना, भगवान ही है हमारे लिए, भगवान है। ये जो राम को लाए हैं, राम भक्त है, भक्तों की पूजा की जाती है हिंदुस्तान में। 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, शेर दहार रहा, जय मोदी देवा। वाह साला, कभी कभी तो हंसी भी आती है कि साला ये क्या चल रहा है हमारे भारत में। हम 2024 में साइंस की दुनिया में जी रहे हैं और हमारे भारतीय लोग अभी भी मूर्ख बनते जा रहे हैं। नए नए बाबा का कम थे जो अब प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, उन्हें भी भगवान बना डाला इन्होंने। अच्छा हो गया मोदी जी कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे, अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे इतने अंध भक्त हैं तो वो तो चमत्कार दिखाना भी शुरू हो जाए। और कल से मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी के मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अरे भाई, अरे बाप रे, ऐसे मज़ेदार वीडियो देख के ला इतना हंस हंस के इंसान पागल हो जाता है यार। मैं तो स्पेशली बहुत हंस हंस के लोट पोट के पागल हो गया था ये सब देख के। मतलब 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, ये वाला किस्सा है। तो ऐसे अंध भक्तों के लिए आप क्या कहोगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।